नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल किडनाइटीज़ में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम, मैं आप लोगों के लेकर के हूँ न्यू अपडेट, जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC से है। तो यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्म आया हुआ है जिसमें आप लोग भर सकते हैं फॉर्म और नौकरी पा सकते हैं। तो यह जो चालू होगा, यह कब से चालू होगा, कहाँ से भरा जाएगा और लास्ट डेट क्या होगी, इन सभी के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की ओर। जैसा कि आप लोग सामने की ओर देख रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, ठीक है, कमीशन पटवारी, ठीक है, पटवारी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म आए हुए हैं 2019, ठीक है। आप दोस्तों यहां पर देखते हैं कि क्या क्या बताया गया, किस किस चीज़ बारे में बताया गया है। तो यह 12 जून 2019, ठीक है, यहाँ पर बताया गया था जो पोस्ट है जो वहाँ डाली गई थी, ये किसकी तरफ से डाली गई है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से, ठीक है दोस्तों। जैसा कि सामने लिखा हुआ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जो है ये पोस्ट जो है डाली गई हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, ये वैकेंसी जो है उनको देखना है, ठीक है। जहाँ पर हम लोग इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो यहाँ बताया गया है पटवारी के लिए, ठीक है दोस्तों, बहुत लोग पटवारी के लिए वेट कर रहे थे, ठीक है, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन, ये हमारी जानकारी आई हुई है। तो इसमें आप लोग को करना क्या होगा, देखिए, जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो 14 जून से स्टार्ट है, यानी कि कल से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है 28 जून, ठीक है, केवल 14 दिन का ही टाइम दिया गया। तो फीस पेमेंट जो है 1 जुलाई को करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। और एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है और एडमिट कार्ड अभी आया नहीं, तो ये आप लोगों को बाद में बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या फ़ीस रहने वाली है। तो फीस जो है हम लोग को रहने वाली 100 रुपये, ठीक है, जनरल अदर स्टेट, ठीक है, जो भी हरियाणा से अलग के हैं वो 100 रुपये देंगे, ठीक है, और जनरल कैंडिडेट जो हैं वो फीमेल हैं वो 50 रुपये देंगे। अगर BC है, EBS है, ठीक है, ये सब, ये जितने भी हमारे आते हैं ये 25 रुपये देंगे, ठीक है, और फीमेल के लिए 13 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये थी जानकारी, ठीक है। अब हम लोग को ये फीस पेमेंट कहाँ से करना है, तो फीस पेमेंट, ठीक है दोस्तों, हम लोग क्रेडिट कार्ड या ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों इसमें ये बताया गया कि एज लिमिट बताया गया 17 ईयर और 42 ईयर के बीच में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो, यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई गई है, तो यहाँ पर क्या बताया गया, डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये देखिए सामने आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया, बैचलर डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बताया गया है, आगे की जानकारी जो है, कितनी पोस्ट आई हुई है, पोस्ट है 558, ठीक है, सॉरी 588 पोस्टें आई हुई हैं जिसमें आप लोग को सिलेक्शन मिलने वाला है। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, जनरल के लिए 254 पोस्ट हैं, BCA के लिए 110 पोस्ट हैं, BCB के लिए 70 पोस्टें हैं, EWS के लिए 60 पोस्टें हैं, ESC के लिए हमारे कितने हैं 140, टोटल 588 पोस्ट के बारे में बताया गया है। आगे देख लेते हैं, अभी लिंक देखिए दोस्तों एक्टिवेट नहीं हुई, 14 तारीख को लिंक एक्टिवेट होगी। यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हैं, ये मैं सही बता रहा हूँ या नहीं सही बता रहा हूँ दोस्तों। अगर जानकारी आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।